वक्त मैं मौजूद हूँ मंस बत्रा गांव में, जो कि कुपवाड़ा में है। और यहाँ के कुछ मेरे साथ यहाँ के गांव के रहने वाले कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पर सबसे पहले ये खूबसूरत सा दृश्य दिखा देती हूँ आपको, बता दूं कि ये आखिरी गांव में से एक गांव है। और ये इतना खूबसूरत दृश्य आप देखेंगे जहाँ पर तमाम अलग कश्मीर वैली से तमाम जगहें जो है हमने आपको बताई हैं, तो उन्हीं में से एक और खूबसूरत सा ये गांव जो है वो हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी हाइट पर ये गांव मौजूद है। और ये तमाम मेरे साथ छोटी छोटी लड़कियां भी हैं, यहाँ के गांव की रहने वाली लड़कियां मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम? छनाजा। कब से रह रही है इस गाँव में? दो सालों से। कुछ इस अपने गाँव की कुछ खासियत बताएंगी, क्या सबसे अच्छा लगता है इस गाँव में आपको, और किस तरह अपना दिन बिताती हैं आप, क्या क्या करती हैं? बताओ कुछ नहीं होता। आप बोलेंगे? क्या नाम है आपका? पढ़ती हैं तुम लोग? हाँ। कौन सी क्लास में? नाइन्थ में। अभी तो स्कूल बंद होंगे, तो स्कूल पास में दूर है? कहाँ है? पास में ही है। क्या नाम है स्कूल का? क्या बनना चाहते हो? अच्छा, क्या बनना चाहते हो? टीचर। टीचर? वाह, क्या बात है। क्यों, और कुछ क्यों नहीं, टीचर ही क्यों, कोई खास वजह? तो आप देखेंगे बच्चे बहुत शर्मा भी रहे, पर हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की। अच्छा, आपका नाम क्या? नाम बताओ। आगे होना, शर्माना क्यों? अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं, कौन सी क्लास में? देखना घिर मत जाना, तीसरी में। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं बड़ी होकर? आपका नाम? इंशा। आप क्या बनना चाहती हैं? देखिए यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो कैमरा के आगे शर्माते भी हैं, और इतना आसान भी नहीं होता कैमरे के आगे बोलना, पर तमाम लोगों को लगता भी है। पर आप इनकी हंसमुख चेहरे देख सकते हैं, गांव में ये रहती हैं और कितना खूबसूरत इनका गांव भी है। अच्छा, कोई सुबह कितने बजे उठते हैं? 10 बजे। हमने हमेशा सुना था कि गांव में लोग जल्दी उठते, पर ये बच्चा 10 बजे उठता है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? वो अल्लाह के हाथ में। हम गांव के बच्चे यहां पर शर्मा रहे हैं, पर हालांकि एक बच्ची ने बोला वो टीचर बनना चाहती है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह वो अपनी जिंदगी में अपना सपना जरूर पूरा करे। और ये खूबसूरत सी वादियां कुपवाड़ा से।